तरफ से आप भी बोल लो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में बटरफ्लाइज जैसा हो रहा है कि आखिरी दिन है और सभी के दिलों में एक अलग सी धकधक है, पर मैं इस सभागृह के बारे में जरूर कहना चाहूंगी सर, आपके बारे में, कि इस पार्लियामेंट में आने के बाद जब फर्स्ट दिन हम बोलने की तैयारी कर भी नहीं रहे थे, तब कई सीनियर लीडर्स के आजू बाजू बैठ कर सुनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय हैं, पहली टाइम है, तो आप लिख के आपका नाम दीजिए सर। तब शुरू किया, पर इस पार्लियामेंट में और आपने सर हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्लियामेंट में आए हैं और अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अलग तरीके से और सभी चीजें जरूरत जो थी मेरे क्षेत्र को वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रखें। तो जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, जितने भी नए पार्लियामेंटेरियन हमारे जैसे पहली बार आए सर, बहुत कुछ सीखा और 5 वर्षों में अलग अलग तरीकों से अपने अपने राज्य में हमने संघर्ष भी किया, बहुत कुछ आगे अपने राज्य को अपने क्षेत्र को लेके जाने के लिए बहुत कुछ सीखा। तो स्पीकर साहब आपका, हमारे अमित भाई का, अमित शाह जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, सभी ग्रेट लीडर्स जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ ये पार्लियामेंट हमने शेयर किया। आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे क्षेत्र के अमरावतीकरों का आशीर्वाद है कि हम इस पार्लियामेंट में आकर अपनी सेवा, हम उनकी सेवा में हमने पूरे 5 साल दिए। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे आने वाले समय में और ताकत से मैदान में काम करके हम उनको और सेवा दे सकें। धन्यवाद।